जैसा कि बिहार में जो गर्मी की बात करें तो मेनली जो साउथ वेस्ट बिहार के ज़िले हैं और साउथ सेंट्रल बिहार के ज़िले हैं, मेनली कह सकते हैं गया, औरंगाबाद, सासाराम, इससे एडज्वाइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स और पटना के एडज्वाइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी जो तापमान है, कल और आज कह सकते हैं तापमान 40 से ऊपर है, कह सकते हैं सामान्य से करीब 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है। और साउथ वेस्ट बिहार के ज़िले की बात करें जैसे कि औरंगाबाद और गया में, वो तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है। और इस कारण से जो लोगों को फीलिंग टेम्परेचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, डिस्कम्फर्ट ज़्यादा फील हो रही है। इस कारण से कह सकते हैं कि नाइट के टाइम पे जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं हो रही है, करीब 28 से 30 के आसपास रह रही है। तो मेनली ये सब सारे जो ज़िले हैं साउथ वेस्ट और साउथ सेंट्रल बिहार में, वो अगले 2 से 3 दिनों में जो गर्मी का जो कह सकते हैं जो फीलिंग टेम्परेचर है, डिस्कम्फर्ट है, वो पूरी तरह से बना रहेगा। और अगले 3 दिनों के बाद जो बारिश की संभावना बन रही है, मेनली जो नॉर्थ बिहार के ज़िलों में और ईस्ट बिहार के ज़िलों में भी बारिश हो सकती है, तो कह सकते हैं कि 3 दिनों के बाद थोड़ी गर्मी में बिहार में राहत मिल सकती है। मॉनसून का क्या स्थिति बन रहा है, समय पर है या फिर? आज जैसा कि बात करें कि भारत में तो मानसून है, अगले 24 घंटे के आसपास में जो केरला में ऑनसेट होने की संभावना है। और जो बिहार की बात करें तो मानसून समान समय पे ही रहेगी, और जो बारिश भी है मानसून की वो समान रहने की चांसेज है। और कह सकते हैं कि जो मानसून का प्रोग्रेस है वो ऑनसेट होने के बाद आइसोट्रॉपिक नहीं रहती है, बहुत सारे कंडीशंस पर डिपेंड्स करती है। तो बिहार में संभावना बन रही है कि समान समय या उसके आसपास ही रह सकती है, ये हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। रेमिल का क्या असर रहा? जो रेमिल साइक्लोन कह सकते हैं, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की, उसका बिहार में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। मेनली बात करें तो 1 या 2 दिनों तक थोड़े बिहार में क्लाउडी स्काई बनी रही, क्लाउडी स्काई बनने के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिल गई, लेकिन उसके कारण से जो अभी वेदर नहीं बन रही है, कह सकते हैं बारिश नहीं हो रही है, तो कह सकते हैं उसका जो आफ्टर इफेक्ट है उसके कारण से तापमान भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है।